अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियापा। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, आइए उनसे बात करते हैं। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये आप कॉफी खा रहे हैं? आपको मेरा इंटरव्यू करने का है ना? जी बिल्कुल। तो आप छोड़ो इसको कि मैं क्या खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ, इधर कौन है जो नहीं खा रहा है, ऐसी बात करने में क्या हर्ज है? अच्छा ये बताएं, आप बिजनेसमैन हैं? नहीं, मैं फोरमैन हूँ। मैं मेरे दुकान का कपड़ा पहन के आप बैठी हुई हो और मेरे से पूछती हो कि आप बिजनेसमैन है, कैसी बात कर रही हैं? बहुत बुरी बात है। अच्छा आप नाराज ना हो, ये बताएं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी जो नजम सेठी का जो जमाना था ना, ऐसा जबरदस्त जमाना था, नजम सेठी बेहतरीन रेट खोलता था ना, ऐसे रेट खोलता था हम लोग की चांदी हो जाती थी। एक्सक्यूज मी, ये जो आप करते हैं ना, ये अगर ना करें तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा? मैं तो टॉफी खा रहा हूँ, नहीं मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तो हर आदमी को, गरीब आदमी को तो ज्यादा इजाजत हो गई है, कुछ भी कर सकता। मैं चाहिए मैं टोपी खा लू, जब मैं पैदा हुआ था, जब भी मैं पैदा हुआ था ना, तो नर्स को बहुत प्रॉब्लम होती, बोली मेरी माँ से बोली ये कैसा बच्चा ऐसे क्यों करता है। मैंने बोला मैं टोपी खा रहा हूँ, उस वक्त मैंने बोल दिया था टोपी खाता हूँ। देखिए अगर आप ये करेंगे ना तो मैं प्रोग्राम नहीं करूंगी, प्रोग्राम बंद करके मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओके देखिए, आप प्रोग्राम नहीं करेंगी तो कोई और आ जाएगी, ये तो रहेगा नहीं, तो चलता रहेगा। ऐसे तो बात करनी चाहिए, ऐसे प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है नहीं के? ये क्या बदतमीजी है, सवाल करो ना। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि ये औरतों की उम्र मर्दों से ज्यादा क्यों होती है? इसलिए कि उनके को बीवी नहीं होती ना। आप कितने अजीब आदमी है, आपकी इतनी अच्छी बीवी है और आप उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं? आप अच्छी की बात करती है, मैं तो सोचता हूँ अपनी बीवी से गोल्डन हैंड से कर लूं। ये बताइए आप फिल्में देखते हैं? फिल्में देखी नहीं मैंने, टाइटैनिक देखी मैंने 2 साल के बाद में। 2 साल के बाद क्यों? 18 आदमी जमा करता था भाई, 18 आदमी। जिधर मैं फिल्म देखने गया ने, उधर लिखा हुआ था कि बिलो 18 नोट अलाउ, 18 आदमी जमा किए फिर जाके देखी। देखिए आपकी इस हरकत से मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, अगर आप ये करना बंद कर दें तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। मैं तो टॉफी खा रहा हूँ, मेरा गला खराब हो गया। आप कह कोई आप ध्यान नहीं देते, आप प्रोग्राम करो। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपके बाप दादा थे वो भी यही काम करते थे? मेरे दादा जो थे ने वो सहाफी थे और जमींदार निकालते थे, और मेरे बाप जो थे ने वो जमींदार थे और रोज जाना एक सहाफी निकालते थे। अच्छा आप पानी के जहाज में नौकरी भी करते थे? पानी के जहाज में नौकरी करता था, मेरे को निकाल दिया। हाँ आपकी इस हरकत से तो निकाल ही देंगे। मेरे को निकाला क्यों, मैं खुद बताऊंगा, आप कोई नजूम ही नहीं है, मेरे को बोलने दो ना। जी जी बताइए बताइए। मैं सिंगापुर जा रहा था एक सिप लेके। सिप लेके? हाँ सिप होता है ना पानी का जहाज, सिप। सिप नहीं होता, शिप होता है। सिप शिप सिप शिप, देखो ना अभी बात समझो, सिप तो सिप बोल सकती है? नहीं। तो मैं भी सिप नहीं बोल, चलो सिप नहीं, सिप को छोड़ दो, तू खाली ऐसे करके दे, ऐसे बोल। ये क्या बदतमीजी है? नहीं मैं तो बता रहा हूँ, अल्टरनेट देना मेरा काम है, आपकी मर्जी आगे, ऐसी बात नहीं है। तो मैं सिप लेके जा रहा था, अभी मेरी सराफत थी ना कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ वो भी एक सिप लेके, मैं गया सिप लेके। हाँ सिप लेके मैं चला गया, ठीक है। बीच समंदर में पहुंचा ना, तो मेरे को मेरा असिस्टेंट आके बोलता है, सर सैलाब आ गया है, ने पानी खतरे के निशान से बहुत ऊपर जा रहा है। फिर क्या, मैंने बोला खतरे के निशान को थोड़ा और ऊपर कर दे, मेरे को निकाल दिया। बनता था निकालना। वैसे आप ये जो बदतमीजी कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल आपके साथ ये प्रोग्राम करना नहीं चाहती। पता नहीं डॉक्टर साहब भी कैसे कैसे लोगों को इनवाइट कर लेते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चलो मेरे क्या है, प्रोग्राम खत्म करो, अगले प्रोग्राम में फिर मैं बैठा हुआ, इसमें क्या है। अल्लाह हाफिज़।